AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आज मैं आपको AI के बारे में ये नहीं बताऊंगा कि AI क्या होता है, इससे आप क्या कर सकते हैं, ये दुनिया में क्या क्या बदलाव ला रहा है। साथ ही आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि AI के आने से कितने जॉब्स चले गए हैं या AI के आने के बाद दुनिया किस तरीके से बदल सकती है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि AI के आने से आप अपने लाइफ में इसका इस्तेमाल करके खुद को कैसे ग्रो कर सकते हैं। चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप स्टूडेंट है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, तो आप अपने पर्सनल लाइफ में AI का इस्तेमाल करके खुद को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, खुद के बिजनेस में कैसे ग्रोथ ला सकते हैं, या आप अपने नॉलेज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रवि, स्वागत है आपका हमारे चैनल NCL कंप्यूटर में। बने रहे वीडियो में, लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आप हर तरफ देख रहे होंगे AI के आने से आप इमेज में बहुत सारे चेंजिंग कर सकते हैं। कुछ टाइप करके कुछ इमेज चाहिए तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको रॉ वीडियो चाहिए, रॉ वीडियो फुटेज का रिक्वायरमेंट है तो वो आप टाइप करके खुद से वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। कुछ म्यूजिक का रिक्वायरमेंट है, कुछ म्यूजिक बनाना चाहते हैं तो आप AI का इस्तेमाल करके म्यूजिक भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको वॉइस चेंज करना है तो वॉइस चेंज कर सकते हैं। AI की मदद से आप कॉन्टेंट रिसर्च कर सकते हैं। AI की मदद से आप कोई भी कॉन्टेंट में कुछ टाइप करना है या कुछ कॉन्टेंट क्रिएट करना है तो AI की मदद से आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। AI की मदद से आप वीडियो बना सकते हैं। किसी भी तरह का ग्राफिक बनाना है, लोगो डिजाइन करना है या किसी भी तरह का ऐसा कोई एनिमेशन क्रिएट करना है जिसके लिए आपको कोई प्रोफेशनल हायर करना पड़ता है, वो आप AI की मदद से इजीली कर सकते हैं। इस तरह का वीडियो आपको काफी सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे, कई जगह आपको दिख रहे होंगे कि आप फोटोशॉप में AI आ गया, म्यूजिक इंडस्ट्री में AI आ गया, वीडियो प्रोडक्शन में AI आ गया, किसी भी तरह का कोई डिजाइन बनाना है, आर्किटेक्चर चाहिए, लोगो बनाना है, तो हर जगह आपको AI दिख रहा होगा। आज मैं आपको वो सारी बातें नहीं बताने वाला हूँ जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि AI की मदद से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में AI का कैसे इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। चाहे अगर आप एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लाइफ में AI का क्या इस्तेमाल है, कैसे आप AI का इस्तेमाल करके अपने एजुकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और अपने आप को स्किल्ड बना सकते हैं। दोस्तों, एक लाइन में अगर कहा जाए AI का मतलब क्या होता है, तो AI का मतलब सिंपल सा ये है कि जो काम एक इंसान कर सकता है उसी एफिशिएंसी में AI की मदद से उससे बेहतर और फास्ट तरीके से जो काम किया जा सकता है या करवाया जा सकता है उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। अब एग्जांपल के लिए अगर आप कोई व्यापार करते हैं, किसी भी तरह का बिजनेस है, चाहे आपका कोई रिटेल स्टोर है, चाहे वो ऑनलाइन कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसी भी तरह का प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसमें आप AI का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। AI का इस्तेमाल आप हर तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइड करना हो, बहुत तरीके से आप AI का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आपको किसी भी तरह का मार्केटिंग करना है, चाहे आपको कोई वीडियो प्रोडक्शन का कोई काम है, कोई वीडियो बनाना है जिसमें आप मार्केटिंग कर सके, ऐड चला सके, तो उसके लिए भी आप AI का इस्तेमाल करके एक वीडियो प्रोड्यूस कर सकते हैं या वीडियो में कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अपने YouTube चैनल के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, मार्केटिंग के लिए एक वीडियो AI की मदद से आप क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल लैंग्वेज में वीडियोस बना सकते हैं, मल्टीपल डिजाइन में आप बैनर्स क्रिएट कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट कर सकते हैं आप AI की मदद से। अब आपको हर काम करने के लिए अलग अलग स्टाफ रखने का, एम्प्लॉय रखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपको ऐसा एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट होगा जो AI का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से कर सके और AI का बेहतर इस्तेमाल करके आपको एक बेहतर आउटपुट निकाल के दे सके, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, वीडियो प्रोडक्शन हो या किसी भी तरह कोई कंटेंट क्रिएट करना हो, बैनर बनाना हो, पोस्टर बनाना हो, वो AI की मदद से आपको बेहतर आउटपुट निकाल के देगा। इस तरह का एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट होगा। तो ओवरऑल देखा जाए जो अभी जो बिजनेस मार्केटिंग कर रहे हैं वो ज्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, यहाँ पे ज्यादातर अब प्रोफेशनल आपको देखने को मिलेंगे। वो अपना कंटेंट बना रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, साथ ही मार्केटिंग कर रहे हैं उसी कंटेंट में। बहुत सारे आपको ऐसे कंपनियां दिखेंगे जो AI का इस्तेमाल करके कंटेंट क्रिएट कर रही है, मार्केटिंग कर रही है, साथ ही बैनर और पोस्टर भी जो बना रही है वो AI का इस्तेमाल करके बना रही है, जिससे उसको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इस तरीके से आप बिजनेस में AI का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को कई गुना तक ग्रोथ दिला सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है तो जनरली स्टूडेंट्स गूगल पे सर्च करके अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ देते हैं, लेकिन अब AI की मदद से आपको कई सारे प्रॉब्लम्स का नया नया सॉल्यूशन, कोई नए प्रोजेक्ट में काम करना है, कुछ नया क्रिएट करना है, किसी भी तरह का कुछ ऐसा यूनिक आइडिया जो आप खुद से नहीं सोच सकते हैं, वो आप AI की मदद से कोई नया प्रोजेक्ट के बारे में सीख सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। पर्टिकुलर सब्जेक्टली किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं तो AI आपको बेहतर
इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एज कम्पेयर गूगल, यानी कि एआई आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करेगा जो गूगल भी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। इसलिए आने वाले समय में गूगल को एआई टक्कर आसानी से दे रहा है। अगर आप स्टूडेंट भी है तो आपको एआई का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, एआई का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, एआई का बेहतर इस्तेमाल करके आप अपने पढ़ाई को, अपने एजुकेशन को भी काफी इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप एआई का सही इस्तेमाल करें तो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय है और अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए एआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो एग्जांपल के लिए अगर आप एक सीए है, डॉक्टर है, इंजीनियर है या किसी भी तरह का आपका कोई पर्सनल बिजनेस है, तो उसमें आप एआई का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि बिजनेसमैन कॉमर्शियल काम करने के लिए एआई का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तरीके से आप सेल्फ एम्प्लॉय है तो भी आप सेम प्रोसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो मार्केटिंग के लिए हो, नया लीड्स जनरेट करना है या किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट करना है, कोई नया रिसर्च करना है या कोई नया नॉलेज गेन करना है, तो आप एआई का इस्तेमाल करके ये सभी चीजें इजीली कर सकते हैं। एआई का जनरली लोग एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई वीडियो क्रिएट करना हुआ या कोई वॉइस चेंज करना हुआ या कोई म्यूजिक ऐड करना हुआ, म्यूजिक क्रिएट करना हुआ या फेस मास्क करना हुआ, फेस में कोई डिजाइन ऐड करना हुआ या किसी सिंपल इमेज को क्रिएटिव इमेज बनाना हुआ, तो इस तरीके से लोग एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको बस इतना ही क्लियर करना चाह रहा हूं कि यही सब टूल्स का इस्तेमाल करके आप अपने पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में अगर इसी टूल्स का सही इस्तेमाल करें तो आप अपने बिजनेस को या पर्सनल लाइफ को काफी हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि अभी के समय में मार्केट में चल क्या रहा है, किस तरीके से आप एआई का इस्तेमाल करके अपने पर्सनल लाइफ और अपने बिजनेस को ग्रोथ दिला सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज का ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।